ਸਾਡੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ। ਦਾਣੇ ਹੋਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ, ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦਾਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਾਣੇ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਭੇਜ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਸਨਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੂੰਜੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਤਲਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚੀ ਏ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣੀ ਏ, ਖੇਤੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀ ਏ, ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਾ ਹੋਣਾ ਏ, ਦੇਸ਼ ਉੱਕਾ ਉੱਜੜ ਜਾਣਾ, ਲੋਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਖਾਣਗੇ। ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਏ ਥੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। तो आप देख सकते हैं फिलहाल इमोशनल हो गए हैं अंकल जी, कह रहे हैं रात को मुझे तो नींद। मरेगा तो उन्होंने दिहाड़ीदारा साड़ने, दिहाड़ी देनी पड़ेगी उन्होंने, पैलियां जमीना तो पहले बेच चुकी ने। तो यहाँ बुजुर्ग काफी परेशान नजर आए, फिक्र में नजर आए कि गांव के गांव आखिरकार खाली होते जा रहे हैं, बच्चे देश छोड़कर विदेश क्यों जा रहे हैं। उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फिलहाल कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं, एक बार बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ बताना चाहोगे? आपकी फैमिली से भी काफी लोग चले गए हैं। हाँ जी पुत्र, इस तरह पुत्र गया है नाल, नूह गई है, पोतरा गया है, पोतरियों नूह गई है नाल। मैं आपके गाँव की बात करूँ, लगभग कितने प्रतिशत बच्चे बाहर चले गए? 95% पुत्र बच्चे चले गए ने अपने इस आस पास के उस पड़ोस के विचों, तो बहुत बेटा लोग दुखी ने, बड़े तंग ने, मतलब तो बाढ़ बहुत आ गई है, फसल सारी मर चुकी है, ये सरकार कोई सुनाई नहीं कर रही, कोई सुन नहीं रही। तो हूँ की क्या रे, बजे वडेरे बुजुर्ग जड़े ने पुत्र वो जड़े ने सहारा बच्चों का लेंदे ने, बच्चों पालते ने, पोछते ने, जवान करते ने, विह करते उन्होंने भी साड़ी सेवा करे, कल असं बुजुर्ग हो जाएंगे, मंजी दे बह जाएंगे, पर कोई मतलब इस टाइम उन्होंने सामने वाला कोई नहीं, वो बेचारे कल ही घर। कारण की लगता है क्यों बच्चे इदा कर रहे ने? कारण लगता है सरकार पुत्र कोई साड़ी सुनाई नहीं करती, जिवें साड़ी कोई फसल मरती है इतने, कोई आप रोने करलाने फसल मंडी नहीं जाके विकती, बुरे हाल होंगे ने, सरकार तो तंग हो के पुत्र इस करके बाहर जा रहे ने, कोई चारा नहीं, मतलब ये सरकार नू बहुत सो लोग पिटते ने, बीजेपी सरकार जी कोई साड़ी सुनाई नहीं करती, बई बड़ा कुछ आते हैं, नहीं कोई खट्टर, नहीं कोई मोदी, ये कोई साड़ी सुनाई नहीं करता किसी किस्म की, बिकी कोई बुजुर्ग वाल नहीं सोचता भी बुजुर्ग तंग है या नहीं। बिल्कुल आप देख सकते हो बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए, अभी मैं यहाँ से क्रॉस कर रही थी तो मैंने देखा ये एक इस तरीके की डिस्कशन कर रहे थे कि हमारे बच्चे बाहर चले गए और जिस समय इनको ज़रूरत थी, पूरी उम्र इन्होंने बच्चों को पाला पोसा, उन्हें पढ़ाया लिखाया, जब ज़रूरत इनको थी तो बच्चे छोड़ कर चले गए। सही कह रही हूँ ना अंकल जी? सबसे पहले तो हम टिप टॉप हरियाणा का स्वागत करने, धन्यवाद इन्हों का जेडे इतने आए ने अपना टाइम कट के, तो साडा दुख सुनया है, दुख साडा सब तो पहला तो ये सरकार जी साड़ी कोई सुनाई नहीं कर रही, बच्चे साढ़े विदेशों में धक्के खा रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, तो बहुत ही बुरा हाल है सरकार। गाँव के गाँव खाली होते, गाँव के गाँव खाली तो होएंगे और क्या करेंगे, बुजुर्ग ही रह गए, बुजुर्गों का बच्चे सहारा होते हैं, तो यहाँ पर तो भाई बच्चे विदेश जा रहे हैं, बच्चों का कोई सहारा, माँ बाप का कोई सहारा नहीं रहा, नौकरियाँ नहीं मिलती, इसलिए तो बच्चे बाहर धक्के खा रहे हैं। बाकी बात रही हमारे ये गोंदर विधायक की, धर्मपाल गोंदर, ये इतना निकम्मा, सबसे निकम्मा विधायक है, पहले भी विधायक बने, गांव का विकास उन्होंने करा, ये गांव का विकास नहीं है, कोई गांव के पानी की निकासी नहीं क्या, है क्या नहीं हो रहा, आप ऐसे क्यों कह रहे हो, निकम्मा क्यों कह दिया आपने? इसलिए कह रहे हैं गाँव में जाकर देखो, इतना गंद है, कोई पानी की निकासी नहीं है, सारा डूब रहा है, इधर सड़क का बुरा हाल है। सड़क एक बार मैं आपको दिखा दूं, जहां हम आए थे जिस सड़क से, वो भी काफी ज्यादा जो है सड़क टूटी फूटी सी थी, सड़कें नहीं बनी हुई हैं, काफी नाराज हैं लोग। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि एमएलए साहब तक ये जरूर इनकी बात पहुंच सके। आप भी काफी दुखी लग रहे हो, आपके बच्चे बाहर है? हाँ जी बाहर। मन लग जाता फिर उन्होंने बिना? मन नहीं लगता, नहीं लगता। रोज बात करते हो? रोज बात हफ्ते में होती है, रोज बात भी नहीं होती, रोज नहीं होती। साड़न वाले भी जेड़े ने ना सानू दिहाड़ीदार चाहिए ने, हुण जेड़े मतलब बुजुर्ग जेड़ा कोई मरेगा ते उन्हां नू जेड़ा कोई मरेगा ते उन्हां नू दिहाड़ीदारां साड़ने, दिहाड़ी देनी पैगी उन्हां नू, पैलियां जमीनां ते पहले ही वेच चुकियां ने, दिहाड़ीदारां साड़ने होर सानू हिरस नहीं। बहुत बड़ी बात कह दी अंकल जी ने कि भाई जब डेथ होगी ना तो साड़ने के लिए भी हमें दिहाड़ी पे आएंगे लोग, क्योंकि बच्चे तो विदेशों में बैठे हैं, लेकिन बच्चों का तो कोई कसूर नहीं इसमें? बच्चों का कोई कसूर नहीं, भूखे मरते क्या करेंगे? सरकार का कसूर है इसमें, तो सरकार का कसूर है जी, इतने कोई नौकरियां, कोई बच्चे को रोजगार मिले तो साढ़े बच्चे क्यों धक्के खान, साढ़े बच्चे साढ़े को रहन, साढ़ा पालन पोषण कर डिप्पे से आके, तो ये निकम्मी सरकार ने हो जाता है किले औखा होंगे, रोज जिम्मे आना सड़क टुटी, रोज एक्सीडेंट होंगे ने, स्कूल बच्चे जाते हैं, बच्चे भी तंग ने, साड़िया मोटरसाइकिल गड्डिया टुट गई ने, इसे असी खुद ट्रैक्टर लैके अपना पुल से जाके मिट्टी पा के इन्ने खड़े हो गए हैं।
पूरी उम्र आपने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बाहर भेज दिया, उम्मीद तो क्यों होगी बुढ़ापे में आपका सहारा बनेंगे, लेकिन वो तो बाहर जाके बैठे। तो पुत्र जी बाहर जाके बह गए ने, असी इत्थे बैठे हाँ, साढ़े 13 बच्चे मैंबर इंग्लैंड बैठे ने, जदों असी हुण साड़ी उम्र हो गई 70-75 साल, साड़ी डेथ हो गई तो दिहाड़ीदार आ के साडा संस्कार करनगे, साढ़े बच्चे साडा मूँह नहीं वेखणगे। सोचने ये सरकार तो दुखी हो गए चले ने, पाकिस्तान तो साढ़े बजुर्ग आए सन, उन्हां दी जमीन सी, जैन तत् वेच के अंग्रेजों तो राज लिया सी, ते अज असी अंग्रेजों दे फिर असी घूम थले आ गए, साढ़े बच्चे जाके उन्होंने नौकरियां कर रहे हैं, तो साढ़ा तो यही हाल है, यही प्रार्थना कर रहे हैं ये सरकार साड़ी सुनाई करे तो साड़ी जान सुखी हो जाए। आप भी किसी के पिता हैं, आपके बच्चे भी, आपकी फैमिली से भी लोग बाहर गए हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? मतलब वहाँ जाके भी झाड़ू पोछे जैसा काम भी करते हैं, हमारे यहाँ पे राजों की तरह रहते हैं और वहाँ जाके झाड़ू पोछे करने पड़ते हैं, क्या लगता है क्या कारण है, क्यों बच्चे फिर भी इतना ज़्यादा जो है बाहर ही जाना चाहते हैं? ये देश वाले बहुत घाटा पैना है, समझ लो ये जो मोदी सरकार बनी है 10 साल हो गए नहीं, ये समझ लो ये ना सोचे भी बाहर टुर जाएंगे देश को घाटा नहीं पाएगा, देश में बहुत तगड़ा घाटा पैना है, सरदार लोग चले गए नहीं देश जब भी धरती में लग जाएगा, किसानी खत्म होंगी जाती है, किसानी कोई नहीं करके राजी, अब दाना नाज ना पैदा। आप लोगों के बच्चे जैसे मान लो किसान के जो आगे बच्चे हैं वो हमें ज़्यादातर बच्चे 95% आप खुद कह रहे हो गाँव खाली हो गए, बच्चे बाहर जा रहे हैं, बच्चों को क्यों नहीं समझाते फिर ना जाओ यहाँ रखे किसानी? जी भुखे मरते हैं ना, काम कर नहीं सकते, खेती होंगी को नहीं, बच्चों तो अगर बच्चों ने पढ़ाई की वो दुखी होंगे, आने अभी बाहर टुर जाइए, इतने कोई काम ही नहीं रहा, खेती कर नहीं सकते, खेती छुटती जाती है, खेती लोकल करते हैं बैठे होने को नहीं, सरदार लोग खेती करते सन, दाना वध हुंदा सी, दाने का रेट नहीं मिलता, उत्थे जाके मंडी भेज जांदी है, कोई रेट नहीं मिलता, कोई सुनाई नहीं हुंदी, पर मैं अपनी मूंजी मीह दे विच चुक के पातलां नूं जाके बेची है, तो सरकार आप ही थले जानी है, खेती छुड़ जानी है, देश भुखा होना है, देश उक्का उजड़ जाना है, लोगों लोग खाणगे वढ़णगे मरणगे भुख मरी पै जानी है, सरकार कुछ नहीं सोचदियां पईआं वी की हाल होना है। बच्चे तो घरों में बचे नहीं है, फिर आप एक दूसरे का सहारा बुजुर्ग ही बन जाते हो कि शाम को रोज यहीं बैठते हो? हाँ जी पुत्र, एक दूसरे का सहारा, भरा भरा आपस में एक दूसरे बह के टाइम पास कर लीता, दिल लग जाता है गल्लां गुल्लां मार के, तो अपना टाइम पास हो जाता, पुत्र रात को चुप करके जाके सौ जाइए है, सवेरे उठ के अखे मलदे मलदे फिर कट्ठे हो जाने, कट्ठे हो गए बजुर्ग बजुर्ग बस जिम्मे छोटे बच्चे खेडते हैं, उस तरह अपना आपस में मतलब टाइम पास हो जाता बेटा। सोच सोच के दिक्कत नहीं होती कि बच्चे की बच्चे होने चाहिए थे? बहुत ज्यादा दिक्कत है जी, रात को नींद भी नहीं आती। तो आप देख सकते हैं फिलहाल इमोशनल हो गए हैं अंकल जी, कह रहे हैं रात को मुझे तो नींद हफ्ता हो जाता है बच्चों से बात हुए हुए, क्योंकि बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन वो भी क्या करें मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पर क्या कोई नौकरी नौकरी नहीं मिली थी, नहीं मिली, कब गया था आपका बेटा? साल हो गया, साल में कितनी बार बात हुई? बात तो हफ्ते बाद हो जाती है, एतवार यहाँ होता तो ज्यादा अच्छा था। हाँ जी बहुत सारा था यहाँ बेटा, बहुत अच्छा रहना सी, अभी देखो आवाज भी अंकल जी की वो हो गई है क्योंकि आंखें नम है, कह रहे यहाँ होते तो बेटा होता तो एक अलग ही बात होती है, कोई दिक्कत परेशानी आ जाए, एज ऐसी होगी है, रात को तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए, तो देखने के लिए बच्चे तो होने ही चाहिए एटलीस्ट घर में। तो सरकार को क्या कुछ एक मैसेज देना चाहोगे, खट्टर साहब के लिए क्या कुछ एक मैसेज देना चाहोगे सीएम? खट्टर तो यही मतलब कहना चाहते हैं भी हम अलविदा हो जाएगा बस 24 चो, सानू इस सरकार की कोई जरूरत नहीं, सब तो नकम्मी सरकार मोदी ते खट्टर दी है, इन्हें अलविदा कहेंगे 24 दे विचो। तो क्या लगता है कौन सी सरकार है? आने वाला टाइम दसेगा भाई केड़ी आउंदी है जेड़ा चंगा लगेगा, लेकिन खट्टर नहीं, हां खट्टर नहीं आना चाहिए, खट्टर ते बहुत सिखां दा बिल्कुल विरोधी है, आतंकवादी सेवा कर रहे ने, सानू सारे अंदोलन च किसान अंदोलन च डांगा मारियां साढ़े बच्चों भी सानू भी, सानू आतंकवादी कहा गया, अज साडा जिहड़ा मतलब सिख समाज है यही सब तो अगे जा के हड़ां दे विच जिहड़े फसे। आप खालिस्तान का समर्थन तो नहीं करते ना? ना खालिस्तान का समर्थन क्या करते? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान क्या हिंदुस्तान में एक बार फिर नारा ही लगा दो, ये गलत है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप सारे लोग खालिस्तान का विरोध करते? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, खालिस्तान का विरोध कर रहे हैं सब लोग, खालिस्तान का विरोध कर रहे हैं। भाई एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि जब भी सरदार कौम की बात आती है, सिख कौम की बात आती है ना, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि नहीं जी खालिस्तान ही है,
तो इसलिए आप लोगों के सामने है। वो कहते हैं कि हम खालिस्तान की बिल्कुल मांग नहीं करते, हम इसके बिल्कुल साथ नहीं है, हिंदुस्तान जिंदाबाद आप लोगों ने अभी सुना नारे इन्होंने लगाए। लेकिन कैसे, हम उस पर बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो है गाँव के गाँव खाली होते जा रहे हैं, घर खाली पड़े हैं, ताले लगे हुए हैं घरों पर। लेकिन अभी आप देख सकते हो इनका यही कहना है कि धर्मपाल गोंदर तक भी एक मैसेज ज़रूर जाए कि आज तक विधायक जो है यहाँ के उन्होंने कुछ भी नहीं किया, इस तरीके की एक बात जो है सामने आई। अपने MLA साहब को कोई मैसेज देना चाहोगे जाते जाते? बिल्कुल पुत्र, तगड़ा मैसेज देने हैं। सड़क के उत्ते भावें जीरी लगा लो, तुम गोंदर सड़क के ऊपर जीरी लगा लो, बेशक कोई दिक्कत नहीं है, पानी बहुत खड़ा खड्डियों में। हम कहते हैं भी सड़क की सुनवाई कर ले धर्मपाल गोंदर, जब जीता है तो जब मरा पड़ा है तो बस इसको कहने की जरूरत ही नहीं, फिर बस फिर यह खत्म है। इससे पहले हमारा पुराना विधायक मामू राम जो हमारे गांव का था, उसने गांव के अच्छे विकास किए थे, बहुत अच्छे अच्छे विकास किए उसने। यहाँ डेरे पर भी आके हमारे को उसने बोला कोई समस्या है तो बताओ, तो ये हमारे डेरे पर हमारे पीछे भतीजे ने बुलाया इसको, ये बोला मैं तो आपको जानती नहीं हूँ, एक गांव का विधायक हो, सरकार भी नहीं थी तो फिर भी मामू राम गोंदर विधायक ने बहुत अच्छे ढंग से मतलब अपना निभाया काम, दुख सुख में सबका साथी, जो ब्याह शादी है जब भी आना, कोई नाराज फिर भी आना। साढ़े गुरु तेग बहादुर ने शीश दिता सी, इन्हें हिंदुओं दी लड़कियां छिड़ाइयां सन, दिल्ली चांदनी चौक शीश दे के हिंदू पंडित जाकर रोए सन। लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लगता है जिस तरीके से जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आते हैं वैसे वैसे धर्म की राजनीति बढ़ती जाती है, हिंदू सिख भाईचारा खराब होने लग जाता है, इस पे आप लोग बच्चों के लिए क्या मैसेज दोगे? इसके लिए हम मैसेज ये देना चाहते हैं, ये सरकार नकम्मी है, धर्म का जो इन्होंने पाड़ पाया ये सरकार ने डाला हुआ है। हम सब एक हैं, जो हिंदू है वो हमारे भाई हैं, हमारे से बढ़कर हैं, वो उनको हम प्यार करते हैं, वो हमारे को प्यार करते हैं, हम इकट्ठे रहते हैं। धर्म को तो ये सरकार मतलब पाड़ना चाहती है, एक दूसरे को धर्म के नाम पे लड़ाई कराई, वोट बटोले, बस और क्या है। गुरु तेग बहादुर ने शहीद दिता सी, पंडित जाकर होए सन कश्मीर दे, ते गुरु गोबिंद सिंह 9 साल की उम्र रहे सन, तो बाहर तो उन्हें कहा पिता जी कई मांगते हैं, उन्हें कश्मीर के पंडित ने औरंगजेब इन्हें दिन लड़कियां खुश कर लिया, तो भला किस तरह होंगे, उन्हें कहा कोई महापुरुष इतने शहीदियां पान, तो गुरु गोबिंद सिंह 9 साल की उम्र जो अपने पिता ने आता थोड़े उत्ते कि गुरु हो सकता जाके शहीदी पाओ, इन्हें पंडितों की सहायता हो। हम तो हिंदू तो असं एक हाँ, असं भरा वा, साडा प्यार करते ने, जे जे इन्हों की विरोध करनी होंगी साडा गुरु तेग बहादुर शहीद क्यों देता? ये जो आतंकवादी बोलती है ये सरकार बोलती है हमारे को, अब आतंकवादी तो सेवा कर रहे हैं, जहाँ जहाँ ट्रालियाँ ट्रैक्टर लेके, जहाँ किसी को चारे की जरूरत है वहाँ चारा बचा रहे हैं, किसी को राशन कच्चे की जरूरत है, लंगर की जरूरत है, अब आतंकवादी तो कर रहे हैं सेवा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस तरीके से निसिंग के पास इस समय मौजूद थे, जहाँ काफी सारे बुजुर्गों से हमने बातचीत की, जिनका यही कहना था कि गाँव के गाँव जो है वो खाली होते जा रहे हैं, बच्चे देश छोड़कर विदेश जाने लग गए हैं, और काफी ज्यादा इमोशनल भी जरूर नजर आए। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले से जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें, साथ ही साथ अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जी। सरकार जितनी मर्जी हमारा भाईचारा तोड़े, हिंदू सिख मुसलमान, हमारा भाईचारा जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही सरदार जी ने कि हमारा भाईचारा जो है वो सबसे जो है प्रायोरिटी पे है, और धर्म के नाम पे ये जो राजनीति लोग करते हैं इनसे जरूर बच के रहिएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे अनीरा माटा के साथ, टिप टॉप हरियाणा पर, धन्यवाद।